अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोफ्ते की कढ़ी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए लेंगे हम 500 ग्राम बोनलेस मटन। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। नमक 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। एक नींबू का निकाला हुआ रस। अब हम ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ कोथमीर और पुदीना। 6 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम पीस लेंगे इसको। तो ये देखिए कोफ्ते का गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब इस तरह से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब हम कोफ्ते बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हथेली के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या तो फिर पानी लगाएंगे और इसके बाद में इस तरह से कोफ्ते का गोश्त लेंगे, बॉल्स बना लेंगे इस तरह से, यानी कि कोफ्ते बना लेंगे इस तरह से, इसका शेप दे देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम सारे तैयार करके रख लेंगे। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो तेल को हम मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे और इसके बाद में कोफ्ते को इसके अंदर तेल में डालते जाएंगे फ्राई होने के लिए। और ये फ्राई करेंगे हम मीडियम हीट पे। तो कोफ्तों को तेल के अंदर डालने के बाद में कुछ देर तक हम छोड़ देंगे इसका कलर चेंज होने तक। फिर उसके बाद में इसके साइड चेंज करेंगे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों का कलर अच्छे से चेंज हो जाना जब तक इसको फ्राई कर लेना है। अब ये कोफ्ते बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको इस तरह से तेल से निकाल लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार हो गए कोफ्ते। कोफ्ते बन के तैयार हो जाने के बाद में अब हम इमली का खट्टा यानी कि इमली का पल्प निकाल कर रख लेंगे। तो इसके लिए मुट्ठी भर इमली लेंगे और इसको पहले अच्छे से धो लेंगे। धो लेने के बाद में इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। और जब ये इमली अच्छे से भीग जाएगी हम इसका रस निकाल लेंगे इस तरह से, हाथों से मत कर निकाल लेंगे। तो इमली का खट्टा इस तरह से निकालने के बाद में अब हम इसको छान लेंगे। अब ये इमली का निकाला हुआ खट्टा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे। इमली का खट्टा और कोफ्ते बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम कढ़ी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए अब हम एक सॉस पैन को गरम कर लेंगे और इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, यानी कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेना है। और अब हम प्याज का कलर चेंज होने के बाद में इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर ऐड कर लेंगे कटे हुए, 500 ग्राम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद में अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, टमाटर अच्छे से गल जाना। तो इसको भूनेंगे हम मीडियम हीट पे, यानी कि टमाटर अच्छे से पेस्ट की तरह हो जाना। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल जाने के बाद में अब हम इसके अंदर इमली का निकाला हुआ खट्टा ऐड कर लेंगे। तो इमली का खट्टा भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। पानी ऐड कर लेंगे अब, 2 ग्लास पानी है ये। बारीक कटा हुआ कोथमीर, हरी मिर्च ऐड करेंगे, करी पत्ता ऐड करेंगे। तो करी पत्ते की क्वांटिटी हम थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे इसके अंदर। और ये है गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें एक साथ अब हम भगोने में ऐड कर लेंगे इस तरह से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको पकाएंगे हाई हीट पे 10 मिनट के लिए, ताकि इमली का जो खट्टा है उसकी कच्ची वो चले जाना जब तक इसको पका लेंगे।
10 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेने के बाद में अब हम इसके अंदर तले हुए कोफ्ते ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे कोफ्ते ऐड करने के बाद में। अब ये पका लेंगे हम मीडियम हीट पे 20 मिनट के लिए। और जब तक कि ये पकेगा हम बेसन का मिक्सर बना लेंगे। 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। बेसन के अलावा चावल का आटा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके बदले में हम गेहूं का आटा या तो फिर ज्वारी का आटा भी डाल सकते हैं। जैसे आप लोगों की चॉइस हो उस तरह से आटे का मिक्सचर रेडी करके इसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए 20 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेने के बाद में अब ये कोफ्ते अच्छे जूसी और सॉफ्ट हो गए। तो इस तरह से हमको ये पका लेना है कोफ्ते डालने के बाद में। अब हम बेसन का मिक्सचर ऐड कर लेंगे इसके अंदर और एक हाथ से डालते जाएंगे और इस तरह से एक हाथ से मिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अच्छे से मिला लेंगे अब और इसको पका लेंगे हम फिर से मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए बेसन ऐड करने के बाद में। दस मिनट तक इसको पका लेने के बाद में अब ये कोफ्ते की कढ़ी रेडी है। कोफ्ते भी अच्छे से गल गए इसके अंदर, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। कढ़ी बन के तैयार हो जाने के बाद में अब हम इसको बघार लेंगे। पैन को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे बघार के लिए। लहसुन की कलियां ऐड कर लेंगे। तो लहसुन की कलियां आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा जिस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। लहसुन को हल्का सा कलर चेंज होने तक इसमें फ्राई कर लेंगे और इसके बाद में राई ज़ीरा ऐड कर लेंगे। लहसुन का कलर चेंज होने के बाद में राई ज़ीरा ऐड करना है इसके अंदर। तो इस तरह से चम्मच से हिला लेंगे हम राई ज़ीरा ऐड करने के बाद में। अब हम थोड़ा सा करी पत्ता और लाल सूखी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में फौरी फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब ये बघार बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से हम कढ़ी के ऊपर से डाल देंगे। अब ये कोफ्ते की कढ़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और इसको सर्व कर सकते हैं प्लेन राइस और रोटी के साथ में। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप लोग भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।